हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली के लिए एक और स्नैक्स रेसिपी। आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए ड्राई फ्रूट नमकीन की रेसिपी, और जिसके लिए हम बहुत ही लेस ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है, और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी मैं इसमें डालूंगी 4 कप मोटा पोहा। अगर आपके पास मोटा वाला पोहा नहीं है तो आप नॉर्मल पोहा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक छलनी में डालकर अच्छे से छान लिया था, जिससे इसमें जो भी गंदगी होती है वो नीचे निकल जाती है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, और हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। दिवाली आ रही है इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 कप पोहा का इस्तेमाल किया है। आप मेजरमेंट अपने हिसाब से रख सकते हैं, और इसी के हिसाब से आप बाकी मसालों की क्वांटिटी को भी रख सकते हैं। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने पोहा और मुरमुरे की नमकीन की रेसिपी शेयर की थी। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। चिवड़ा को रोस्ट करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। और अभी हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छे से क्रिस्प हो गया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर, और उसके बाद हम करते हैं आगे की प्रिपरेशन। सेम कढ़ाई को मैंने फिर से गैस पर रख दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। बस ऑयल का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 2 कप मूंगफली, और मूंगफली को भी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। मूंगफली को भी हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, और 4 से 5 मिनट का समय लगेगा मूंगफली को रोस्ट होने में। मूंगफली में वैसे भी प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर सब कुछ होता है, और आज हम इस नमकीन में जो कुछ भी डालने वाले हैं वो सारी ही चीज़ें हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। हम बहुत ही हेल्दी नमकीन बना रहे हैं दिवाली के लिए, और क्योंकि वैसे भी दिवाली में इतना ज़्यादा मीठा हो जाता है तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मूंगफली भी अच्छे से रोस्ट हो गई है, और इसे भी मैं सेपरेटली एक बर्तन पे निकाल लेती हूँ। वापस से हमने सेम कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, और अब हम फिर से डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं 1/2 कप बादाम। और इसी के साथ हम डाल देंगे 1/2 कप काजू। काजू मैंने टुकड़ा वाला काजू लिया है, अगर आपके पास टुकड़ा काजू नहीं है तो आप साबुत काजू ले लीजिए और उसको टुकड़ा कर लीजिए। गैस का फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम, और लगातार चलाते हुए हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। हम आज ये ड्राई फ्रूट्स वाली एकदम शाही नमकीन बना रहे हैं दिवाली के लिए। जो भी मेहमान आपके घर आएंगे, अगर आप उनको ये नमकीन सर्व करेंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये नमकीन। काजू और बादाम हल्के से रोस्ट हो गए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे नारियल। जो सूखा वाला नारियल होता है उसको मैंने इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं उसके, और ये हम इसमें रोस्ट करेंगे। ये मैंने नारियल पहले नहीं डाला था क्योंकि नारियल थोड़ा जल्दी रोस्ट हो जाता है। साथ ही हम डाल देंगे किशमिश। मैंने यहाँ पे 1/4 कप किशमिश ली थी, और इसके साथ हम डाल रहे हैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज। नारियल, किशमिश और खरबूजे के बीज थोड़ा जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा बाद में ही डाला है। अब बाकी के ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लगभग 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे, और उसके बाद हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं, और इसे भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं।
अब फिर से हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून राई के दाने और राई के दाने चटकने लगेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काफ़ी सारा करी पत्ता। किसी भी नमकीन में ना करी पत्ते का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। करी पत्ते को मैंने ऑलरेडी धो करके अच्छे से सुखा लिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही नमकीन को तीखापन देने के लिए 4 से 5 हरी मिर्च को काट करके इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे जो नमकीन का कलर है वो काफ़ी अच्छा सा आ जाएगा। हल्दी भी अच्छे से भुन गई है और करी पत्ता भी काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब हमने जो पोहा ऑलरेडी रोस्ट करके रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं। पोहे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है नमकीन का। हमने हल्दी डाली थी जिससे नमकीन का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। अभी हमें इसमें और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं तो मैं इसे एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि हम इसे अच्छे से मिक्स कर सकें। और आप इसे हल्के हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, अदरवाइज पोहा जो है वो सारा टूट जाएगा। मैंने इसे एक परात के ऊपर निकाल लिया है ताकि हम इसे अच्छे से मिक्स कर सकें। और हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को ऑलरेडी रोस्ट करके रखा था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे रोस्ट की हुई मूंगफली। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। अभी तक हमने मसाले कहीं पर भी ऐड नहीं किए थे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टेबलस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हम यहाँ पर डाल रहे हैं चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं सौंफ पाउडर। सौंफ को मैंने भून करके पीस लिया था और मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा पीसा है। इससे जो है नमकीन का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं सौंफ पाउडर तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और हल्का सा मीठा फ्लेवर देने के लिए 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। अब हम सारी चीज़ों को बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई है हमारी दिवाली के लिए एक बहुत ही स्पेशल स्नैक्स रेसिपी, जिसको कि हमने अपने हाथों से बनाया है। एकदम प्योर घर में ही बनाई हुई नमकीन है। आप इसे 20 से 25 दिन के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रेगुलर अपडेट्स करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। वनीताज मैजिक किचन की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली।